रायगढ़ जिले में सोमवार से दुकानें प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक रविवार को छोड़कर अब संचालित होंगी। इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इस संबंध में कलेक्टर भीम सिंह ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन, यान तथा यात्री सिटी बसें, निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, रिक्शा आदि की सेवाएं शर्तों के अनुसार संचालित की जा सकेंगी। कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हेतु स्वैच्छिक रूप से ई पास का उपयोग किया जा सकेगा, ताकि ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे एवं संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सके। इस हेतु आवागमन करने वाले समस्त यात्री ई पास का स्वैच्छिक रूप से उपयोग करने की अपील की गई है। नए आदेश के तहत अब सब्जी प्रतिदिन सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और मिल्क पार्लर, दूध डेयरी का संचालन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एवं शाम 5 बजे से रात्रि 7 बजे तक की जा सकेगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़पेपर हॉकर को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक की अनुमति होगी। अभी जो लॉकडाउन खोल दिया गया है, 2 वीक का लॉकडाउन लगाया गया था और इसका हमने बखूबी उपयोग किया। हमने बहुत 1500 सैंपल एवरी डे ऑलमोस्ट लिए हैं और सभी वर्गों का टेस्ट किया। अब लॉकडाउन खोलकर हम सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे रहे हैं। दुकानों का समय 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा और बाकी चीज़ों का जो है वो समय आदेश में दिया गया है, तो सभी लोग उसका सख्ती से पालन करें। संडे पूरा तोड़कर बंद रहेगा। थैंक यू। अस्पताल परिसर की दुकानें 24 घंटे संचालित की जा सकेंगी। वहीं अन्य स्थानों पर स्थित सभी दवाई दुकानें प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही संचालित कर सकेंगी। रायगढ़ से संजय सारथी की रिपोर्ट।